हे आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। अब एग्जाम आने वाले हैं, आपको पढ़ना भी तो है ना, साथ साथ आपके बेसिक एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, इंटर एग्जाम के साथ साथ आप SSC CPO बहुत सारे एग्जाम देते हो। तो आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो वॉइस से, नरेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वॉइस बच्चों से पढ़ते तो वो ज़्यादा है, बट क्वेश्चन से नहीं बन पाता। आज हम देखते हैं कि आखिर वॉइस का वो बेसिक क्या है और क्वेश्चन कैसे बनाया जाए वॉइस से। क्वेश्चन वॉइस पढ़ने के लिए बिल्कुल ही बेसिक चलेंगे हम लोग, और आप ये जानो कि वॉइस से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, ये जानने का प्रयास करो। आप अगर SSC की तैयारी करते हो, CPO की तैयारी करते हो, तो वॉइस से लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसकी तैयारी कर लो। यानी SSC, CPO, दिल्ली पुलिस, SCDS, एनडी, किसी एग्जाम की बात कर लो तो वॉइस चैप्टर से लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बहुत बड़े एग्जाम UPSC की बात कर लो तो UPSC में भी 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। यानी कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा पूछता है। अब बच्चे से होता क्या है कि माइनर मिस्टेक हो जाता है, नहीं बन पाता, उससे समझ नहीं पाते वो कैसे बनाए क्वेश्चंस। तो एक्चुअली वॉइस पढ़ने के लिए हम लोगों को दो तरह से इसका कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि आखिर इस वॉइस को हम कैसे सोल्व करें। तो इसके दो तरह से पैटर्न जब देखेंगे, एक मान लेते हैं कि वॉइस में सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर दो तरह से फ्रेम करना, उसको फ्रेम करने के लिए क्या देखना कि जैसे कोई भी चीज़ हो, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा, राइट। अब एक ध्यान देना, सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड होगा। अब ध्यान देना कि सब्जेक्ट जो होता है, ये सब्जेक्ट लिविंग हो सकता है, ये सब्जेक्ट डूअर हो सकता है, ये सब्जेक्ट लिविंग हो सकता है, डूअर हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। अगर लिविंग और डूअर की बात करें तो यह ऐसी स्थिति में इसे तुम कहना एक्टिव वॉइस। क्या कहना बच्चे? एक्टिव वॉइस। क्या बोलना? एक्टिव वॉइस। मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक्टिव वॉइस बोलना। जब आप एक्टिव वॉइस बोलोगे तो इस तरह के सेंटेंस को हम टेंस कहते हैं, इसे हम वॉइस नहीं कहते, बेसिकली टेंस कहते हैं। हम लोग अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये बेसिकली दो वॉइस नहीं है, एक टेंस है और दूसरा वॉइस है। तो हमने वॉइस की बात करा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब, तो लिविंग और डूअर, लिविंग और डूअर हो तो उसे हम एक्टिव वॉइस को उसे टेंस कहते हैं। जैसे सर, जैसे हम बोले मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं डूअर हूं, मैं लिविंग हूं, है ना। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू, तुम पढ़ते हो, यू रीड, तो तुम डूअर हो, तुम लिविंग हो, तुम एक्टिव वॉइस हो गए। तो एक्टिव वॉइस, यू रीड अ बुक, है ना, तो यू रीड अ बुक, तुम क्या हो गए? लिविंग हो गए। तुम हो क्या गए? डूअर हो गए। तो इस दुनिया में जितने भी लिविंग और डूअर होते हैं उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और एक्टिव वॉइस, वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य। वॉइस का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट जो हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग वॉइस कहते हैं। यानी स्टेटमेंट कैसा हो? तो एक्टिव मोड में। एक्टिव का मतलब क्या हुआ? लिविंग और डूअर, उसे टेंस कहते हैं। तो टेंस में यही पढ़ा जाता है, एक्टिव वॉइस। तो आई होप आपको टेंस आता होगा, आपने टेंस का वीडियो देखा हो यूट्यूब पे, नहीं भी देखा होगा तो आप सर्च करो और यूट्यूब पर देखो, हमने टेंस पढ़ा हुआ है। बहुत सारे टेंस में कुछ और भी चीज़ें होगा जो आगे वीडियो में बनाऊंगा, फिलहाल मान के चल रहा हूं कि आपको टेंस आता है, राइट। तो हमने कहा टीच यू, यू रीड अ बुक, तो ये सबको टेंस कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सेकंड फेज में है, यहां तक समझ गए? सबका स्क्रीनशॉट ले लिया, कॉपी कलम उठा के लिख रहे हो ना? मेरा क्लास जब करो तो कॉपी कलम लेकर के पढ़ना शुरू करो। यहां पे मैं अगला बात करें, दूसरा क्या होता है कि सब्जेक्ट जो हो सकता है वो नॉन लिविंग हो सकता है, सब्जेक्ट जो हो सकता है वो नॉन डूअर हो सकता है, राइट। यानी नॉन लिविंग हो सकता है, नॉन डूअर हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करो कि नॉन लिविंग नॉन डूअर हो तो इसे तुम कहना पैसिव वॉइस। क्या कहना बच्चे? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब ध्यान देना कि दो चीज हमने समझ लिया कि जैसे हमने सेंटेंस बोला कि, यहां ध्यान देना बच्चे, कि सब्जी बिकती है, सब्जी बिकती है। अब बताओ सब्जी वर्ड नॉन लिविंग है कि नहीं है? नॉन डूअर है कि नहीं है? हमने बोला कलम टूट गया, तो कलम टूट गया, कलम नॉन लिविंग है कि नहीं? नॉन डूअर है कि नहीं? तो पहले पहचानना सीखो कि सब्जी बिकती है, पैसिव हुआ कि नहीं हुआ? कलम टूट गया, पैसिव हुआ कि नहीं हुआ, है ना। मकान रंगे जाते हैं, टेबल गिर गया, मकान गिर गया, रोड बन रहा है, सब्जी बिक रही है, मकान रंगे जा रहे हैं, सब्जियां बिक
बेची जा रही है, रोड बन रहा है, मैं थक गया हूँ, वो जितना भी कपड़ा फट गया, कपड़ा सूख गया, जितना भी बोलते हैं, ये सब क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। अब प्रश्न उठता है कि इसका अंग्रेजी कैसे बनाए। अब बोर्ड पर ध्यान देना कि हमने कहा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब आ सकता है, इसके बाद अदर वर्ड आ सकता है, यानी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में वी वन हो, वी टू हो, वी थ्री हो, वी फोर हो, वी फाइव हो, ये कोई भी वर्ब का फॉर्म हो, इसे हम टेंस कहते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब आया और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आया और मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड आया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, जब मेन वर्ब आया तो इस मेन वर्ब में मात्र सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो इस वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस होने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, एक ही वर्ब इसमें चाहिए, तभी आपका ये बन पाएगा। यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब, तो मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। यानी पैसिव अगर आपके पास हो रहा है तो एक ही मेन वर्ब चाहिए और वो कौन सा? वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। यानी कि आपको ध्यान ये देना है, दो चीज ध्यान देना है, तब आपका अंग्रेजी आसान हो जाएगा। जैसे देखो, उन्होंने बोला सब्जी बिकती है, सब्जी बिकती है। अब मुझे बताओ बच्चे कि सब्जी नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है कि नहीं है? अब ए वर्ड रहेगा तो सब्जी का अंग्रेजी क्या होता है? वेजिटेबल। वेजिटेबल ही बोल सकते हो, वेजिटेबल्स ही बोल सकते हो। मान लो तुम्हें कहना है कि वेजिटेबल, एक नहीं वेजिटेबल्स बोल दिया। अब वेजिटेबल बोला, अब चाहिए तुमको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा सर? तो ध्यान देना बेटा, वी थ्री जो है, वी थ्री ध्यान कहां आता है? इज, एम, आर, वाज, वर, विंग, ये सब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी पैसिव होने के लिए इज, एम, आर, वाज, वेर, बी, बींग, है ना, बीन भी आ सकता है, के बाद भीतरी आता है, यानी इसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो इसी में से कोई एक वर्ब लगाना पड़ेगा। इज, एम, आर प्रेजेंट की बात करना, वाज वेयर पास्ट की बात करना, और बींग बात करना कॉन्टिन्यूस का, बी लगाना वी वन के साथ मोटर के साथ, बी लगाना वी थ्री रहेगा तब, यानी परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस की बात करेगा। मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ सिखाने के लिए। हमने कहा सब्जी बिकती है, वेजिटेबल, वेजिटेबल प्रेजेंट की बात है ना, तो प्रेजेंट की बात है तो वेजिटेबल इज। अब यहाँ पे हमने इज की बात करा, अब यहाँ वी थ्री आएगा तो बेचना क्या होता है? सेल, सेल का वी थ्री सोल्ड, वेजिटेबल इज सोल्ड, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, देख रहे हो गौर से? तो वेजिटेबल इज सोल्ड, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। तब यहां पे बात हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। जब इस तरह से आप बात करते हो तो आपका अंग्रेजी काफी आसान होता है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, एसएससी और सीपीओ के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस है, एक एक कर आप देखो, पूरा का पूरा हम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के आपका वॉइस स्ट्रांग होगा, बेहतर होगा। यहां हमने क्वेश्चन लिया तो पकड़ने का तरीका क्या है कि आप इसमें देखना इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद वी थ्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वी थ्री अब कहो सर वी फोर आता है, तो वी फोर आएगा तो एक्टिव वॉइस, देखो वी फोर है ना, एक्टिव वॉइस। यानी पैसिव में एक ही चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूसरा कोई वर्ब नहीं चाहिए। अगर वो पैसिव है तो सिर्फ वी थ्री चाहिए, अगर वो एक्टिव है तो फिर किसी भी टेंस में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको टेंस कहते हैं, चाहे वी वन हो, चाहे वी थ्री हो, चाहे वी टू हो, चाहे वी फाइव हो, वो टेंस हो गया। लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही वर्ब चाहिए और वह वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूसरा और कोई वर्ब नहीं चाहिए, आपका अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या करा कि एक 2017 का क्वेश्चन लिया जो एसएससी आपके दिल्ली एसआई में क्वेश्चन पूछा है, हमने चार ऑप्शन दिया, पहला क्वेश्चन दिया हमने। अब आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन मिलता हो तो 3 सेकंड में कैसे वॉइस को सोल्व करें, सेकंडों में नहीं, 3 सेकंड तो बहुत हो गया, आप देखते ही कैसे सोल्व करें, उसका ट्रिक्स दिख रहा हूं आपको, और आप देखिए आपसे कितना आसानी से बनता है, आज और अभी सीखिए। और इसके साथ आप मार्केट से कोई भी पेपर ले लो और उसको सोल्व करो, आपसे बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, बस एक बार देखिए फटाफट ट्रिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, बस देखना क्या है वो ध्यान दीजिए। फिर से एक बार आपको बस चेक करना है कि सब्जेक्ट के बाद, ध्यान रखिए क्या चेक करना है, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आपको पहचानना क्या है टेंस, और टेंस के अकॉर्डिंग क्या पहचानना है वॉइस स्ट्रक्चर, यही चेक करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस भीतरी, और भीतरी के साथ आपको चेक करना है कि टेंस कौन सा है और उसका वॉइस कौन सा बनेगा। अभी आपको चेक करके दिखाता हूं और कैसे वो बनता है वो दिखाता हूं, आप बस माइंड मेकअप कर लें। हमने कहा द अकाउंटेंट,
अकाउंटेंट तुम्हारा सब्जेक्ट है, अब टूक हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट। अब बोला द मनी हो गया ऑब्जेक्ट, बोलो सब्जेक्ट वी टू मिला ना, इसका मतलब एक्टिव है कि नहीं है, हमको चाहिए पैसिव, तो मनी को उठाकर यहां ले आ जाएंगे, अकाउंटेंट यहां करेंगे, क्योंकि फ्रॉम हो गया कंजंक्शन और कंजंक्शन के बाद कस्टमर हो गया ऑब्जेक्ट नंबर टू, तो एक कस्टमर नहीं बनाएंगे, क्योंकि कंजंक्शन के बाद जो भी लिखा होता है उसको सेम कॉपी कर लेते हैं। तो अब हमको चेक करना है कि टूक हो गया वी टू, तो हमको चार ऑप्शन में से क्या चाहिए, हमको चाहिए वाज वर्ब, क्योंकि सिंपल पास्ट में वाज वर्ब प्लस वी3 चाहिए, तो वाज वर्ब प्लस वी3 चाहिए, तो हम वी2 को अब देखेंगे वाज वर्ब प्लस टेकन, तो वाज वर्ब टेकन कहां लगा है, यहां पे लगा है इज टेकन, देखा मैं सेम ऑप्शन दिखाऊं इज टेकन, इसलिए पहला आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको चाहिए क्या वाज टेकन चाहिए, वाज टेकन चाहिए, तो पहला में इज टेकन गलत हो गया, दूसरा वाज टेकन बिल्कुल सही है ये चलेगा, तीसरा भी वाज टेकन बिल्कुल सही ये भी चलेगा, चौथा मनी हैड, हैड वाला नहीं चलेगा। अब बी और सी में तुलना करें, अब देखो मनी उठाकर यहां लाएंगे द मनी वाज टेकन, कस्टमर यहां से आ नहीं सकता क्योंकि ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फ्रॉम लगा हुआ है कंजंक्शन लगा हुआ है, इसलिए कस्टमर वाला ये भी गलत हो गया। अब बताइए आपका आंसर 100%, बोलिए बी नंबर हुआ कि नहीं हुआ, कितना आसान था। अब एक व्यक्ति पूरा पढ़ेगा अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम, अब अकाउंटेंट टुक मनी वाज टेकन फ्रॉम, ये सब नहीं करना है काम, सीधा क्वेश्चन देखा आंसर मारा एक सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बोलिए पहला का आंसर दू हो कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दो लिया हम आपसे, हमने कहा एक क्वेश्चन टू, ए भी आपके 2017-18 का क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम का है, हमने बोला द प्यून, द प्यून क्या होगा तुम्हारा सब्जेक्ट, अब रिफ्यूज्ड बोलो वर्ब का सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, हिम एडमिटेंस, हिम हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, यही आपका मेन क्लू है, यही मैंने आपका सेंस है। अब बोलो रिफ्यूज हो गया यानी हमको चाहिए क्या, इसके बदले में हमको चाहिए वाज वर प्लस वी3, अब जिसमें हमको वाज वर वी3 मिलेगा वही मेरा आंसर होगा, बाकी कोई आंसर नहीं होगा। अब हम लोग ही वाज रिफ्यूज्ड, बिल्कुल ही वाज रिफ्यूज्ड मिल गया आंसर, एडमिटेंस इज नहीं आएगा गलत हो गया, एडमिटेंस वाज, अब देखो एडमिटेंस ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड, तो हमने कहा था ना कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेते हैं, तो एडमिटेंस वाज रिफ्यूज कोई बात नहीं रखते हैं इसको साइड में, अब इज आया यहाँ पे ये गलत हो गया, यानी दो ऑप्शन आपके हट गए, बच गए ए और सी, अब ए और सी में ही तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हिम को उठाकर यहाँ लाएंगे द प्यून को यहाँ करेंगे, तो हिम को उठाएंगे तो ही आ जाएगा, फ्रॉम यहाँ पे देखो एडमिटेंस सेकेंड ऑब्जेक्ट है, हमेशा बनाते किससे फर्स्ट से, तो आंसर तुम्हारा कौन सा होगा ए नंबर सी तुम्हारा गलत हो गया, क्योंकि एडमिटेंस वाज रिफ्यूज नहीं, ही वाज रिफ्यूज उसको रिफ्यूज कर दिया गया। तो यहां पे पकड़ने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको पकड़ना है एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। सबसे पहले लीजिए इंफॉर्मेशन, हमने लिया इंफॉर्मेशन, फिर करिए आप एलिमिनेशन, फिर ऑप्शन को आप हटाइए और फिर लगाइए इन्फ्रेंस, सिक्स सेंस का प्रयोग करिए। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, हमने लिया इंफॉर्मेशन, फिर हमने क्या करा एलिमिनेशन, हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया कि ये वाला आंसर नहीं होगा, देन हमने क्या प्रयोग किया इन्फ्रेंस सिक्स सेंस का प्रयोग किया, तब मेरा आंसर क्या हो गया राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, अब यहां फटाफट देखो बच्चे, हमने क्वेश्चन दिया मैं चाहता हूं कि वॉइस आपसे बनना शुरू हो जाए, आप एग्जाम में बैठो और क्वेश्चन देखो आपसे तुरंत के तुरंत बन जाना चाहिए। हमने कहा देखो द चिल्ड्रन, सब ट्रिक्स देखो, चिल्ड्रन क्या है सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लेना हम लोगों को इंफॉर्मेशन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिया कि द चिल्ड्रन आर मेकिंग, देखो आर मेकिंग अनवाइज, अनवाइज हो गया ऑब्जेक्ट, आर मेकिंग हो गया वर्ब, यानी हमको वर्ब मिल गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और एक बात ध्यान देना, कहीं भी वी4 मिले ट्रिक्स को याद रखो, जहां भी तुम्हें मिले V1 V2 वहां पे चेक करो इज एम आर वाज वर के बाद क्या चेक करो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक में ध्यान रखो कि जहां भी तुम्हें V1 हो गया इज एम आर V2 हो गया वाज वर, जहां तुम्हें V3 मिल जाए, किसी में V3 मिल जाए तो वहां चेक करो बीन प्लस V3, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा अगर तुम्हें कहीं V4 मिल जाए तो वहां चेक करो बीइंग प्लस V3, ये तीन कॉन्सेप्ट याद रखो। जैसे यहां पे देखो V4 है कि नहीं है, तो V4 है तो हमको चेक क्या करना है भाई, हमको चेक करना है बीइंग प्लस V3, हमको चेक क्या करना है बीइंग प्लस V3। अब देखो V4 है ना, तो हमको इसके बदले में क्या चाहिए बीइंग प्लस V3, यानी बीइंग प्लस V3 हमको चाहिए ही
चाहिए। अब चेक करेंगे इज के बाद मेड दिया, बीइंग नहीं लगाया, तो नहीं लगाया तो इसे काट दूंगा मैं, ये गलत है, कटेगा। दूसरा कहा नॉइज इज बीइंग, बीइंग मिल गया, सीधा पकड़ लिया कि भाई तुम ही आंसर हो, क्योंकि आगे कहीं ने सुट भी दिया है, बीइंग दिया है तो आगे कट गया। हमने लिया क्या, इंफॉर्मेशन लिया, इंफॉर्मेशन के बाद क्या किया, एलिमिनेशन किया, एलिमिनेशन के बाद क्या किया, इन्फरेंस लगाया, अनुमान लगाया कि भाई आंसर कौन हो सकता है, और आंसर इज बी फॉर बॉय। बोलो कहां दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं होने दूंगा, बशर्ते वॉइस का बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, टेंस स्ट्रांग होना चाहिए। वॉइस तो लॉलीपॉप है, एक बार सिखा दूंगा सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब बार बार कहते हो सर वॉइस पढ़ाइए, वॉइस पढ़ाइए, अब देखो क्वेश्चन बन रहा है ना, पढ़ाने की बात करूं, क्वेश्चन की बात करूं, पढ़ाऊंगा एक अलग से बनाऊंगा वीडियो आपके लिए स्पेशल कैसे बनाते हैं, राइट। अब यहां पे देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में दिख रहे हैं, यहां पे एक एक कर मैं आपको बताया। सबसे पहले जानना यह है बच्चे कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो आप, इंफॉर्मेशन लेते हो, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन नहीं लोगे तो कैसे सॉल्व करोगे। मैं आपको 4 क्वेश्चन करा करके क्या प्रूफ करना चाहता हूं, ये 4 में वॉइस आ जाएगा, नहीं, आपको सॉल्व करना आ जाएगा, ये गारंटी है। बशर्ते जैसे मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं ना वैसे ही इंफॉर्मेशन आप भी लो, और साथ साथ ध्यान रखो कि इस वीडियो को ना हर बच्चे की मदद करो, और पढ़ने का तरीका क्या है, दूसरे को भी हेल्प करो ना, क्योंकि जब आप किसी को हेल्प करोगे तो वो सीखेगा। आप 10 बच्चे से डिस्कस करिए कि तुम कैसे वॉइस बनाते हो, तुम कैसे बनाते हो, उससे क्या होगा कि दोनों लोग जब आदान प्रदान करेंगे तो बेहतर आप सीख जाओगे, और उससे आपका नॉलेज जब किसी को ट्रांसफर करते हो, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ता है, तो जितना ज्यादा आप अपने नॉलेज को बांटेंगे दूसरे साथ शेयर करेंगे तो आपका वो ज्ञान परफेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि हर चीज जो मैं आपको पढ़ाता हूं सारे बच्चे के साथ अब मिलकर के शेयर करिए, मिलकर के मेरे वीडियो को आप देखिए और कॉपी कलम निकाल के पढ़िए ताकि आपका नॉलेज बेहतर से बेहतर हो जाए, क्योंकि कॉपी कलम के बिना अधूरा ज्ञान है। इसके पहले मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को बनाइए, जब आप बनाएंगे तो आपका नॉलेज प्रखर हो जाएगा। जो भी एग्जाम हुआ हो, एसएससी सीपीओ, अब तक 20 वर्ष का इतिहास ले लो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन है आप बनाओ इसी मेथड पर। कौन सा मेथड सर, तो मेथड नंबर 1 कि आप ढूंढो सब्जेक्ट क्या है, फिर ढूंढो वर्ब क्या है, फिर ढूंढो ऑब्जेक्ट कहाँ है, फिर दोनों को तालमेल बिठा लो, आंसर निकल जाएगा। जैसे राजीव तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब चोस हिज वर्ड्स विथ केयर, जब मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं ना, जब मैं दिल्ली मुखर्जी में पढ़ाता हूं बच्चों के साथ, तो वहां पे बच्चे एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अगर तुम ईमानदारी से पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन तुमसे भी गलती हो जाएगा, बशर्ते हम लोग पहचान नहीं पाते। वर्ब का ज्ञान, ए राजीव चोस, ए चूज नहीं है, ए चोस है, ए वर्ब का सेकंड फॉर्म है। यही तो गलती करते हैं बच्चे, लोग सोचते हैं भी वन है और वो लगा देते हैं इजे मार वाला, क्योंकि वर्ड्स लगाया तो आर लगाते हैं, तो वी टू है। पहले क्वेश्चन देख करके उसकी आइडियाज को भांप लो, क्वेश्चन पहले इंफॉर्मेशन लो, जब तुम लोगे इंफॉर्मेशन तब करो एलिमिनेशन, और फिर लगाओ इन्फरेंस, तब ना बेहतर बनेगा। हमने कहा राजीव चोस ये वी टू है, अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वी टू मिल गया, हमको चाहिए वाज वर प्लस V3, हमको वाज वर V3 चाहिए। जो ऑप्शन देगा उसको आंसर मारूंगा, जो ऑप्शन नहीं देगा उसको नहीं मारूंगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में होगा तब कुछ और ट्रिक लगाऊंगा, इस तरह से आपका दिमाग काम करेगा। तो हमने कहा राजीव चोस हिज वर्ड्स विथ केयर, अब देखो वाज चाहिए ना हमको, तो वर्ड्स आर, ये तो पहले ही कट गया मेरा। दूसरा देख लिया वर्ड्स वर, अब वर्ड्स है तो वर तो आएगा ही, इसको रखता हूं साइड में। आगे देखे वर्ड्स वर, अब देखा वर्ड्स वर, यानी तीन तीन ऑप्शन में वर के साथ V3 लगा हुआ है, यानी तीन ऑप्शन में। अब यहां देखो चोस, यहां भी चोस, यहां भी चोस, तो वर्ड्स के बाद चोस चोस V2 तो होगा नहीं, हमको चाहिए चूजन, यानी चूस चोस चूजन, चूस चोस चूजन, तो V3 होता है, चूज हो गया V1, चोस हो गया V2 और चूजन हो गया V3, तो ये चूजन तो सही था, लेकिन ये प्रेजेंट अगर यहां पे चूज होता तो चूजन ये वाला सही हो जाता, लेकिन यहां पे V2 है इसके मतलब वर के बाद चूजन चाहिए था, वो भी नहीं है, ये भी कट गया इन्फॉर्मेशन। दूसरा है वर्ड्स वर चूज, अब वर के बाद चूज होगा नहीं बच्चे मेरे, तो ये भी गलत हो गया, बच गया वर्ड्स वर चूजन, तो आंसर इज डी। ये बड़ा मजा आया होगा आपको, आप देख लीजिए मिलाकर के क्वेश्चन, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से आप पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात याद रखो साथ ही साथ, अगर आप दिल्ली दूर नहीं है, आप ऑनलाइन क्लास घर बैठ के मोबाइल पे पढ़ सकते हो, अपने टीवी स्क्रीन पढ़ सकते हो, कहां जाकर के
www.dsl.com पे जाकर के, वहां पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वहां जाओगे आपको टेस्ट रिज्यूम मिल जाएगा, आप टेस्ट भी दे सकते हो। इसके साथ साथ और भी वीडियोस चाहिए तरह तरह के, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ सर मुझे ऐसे वीडियो चाहिए। वॉइस का क्लास कैसा लगा मुझे बताओ, आपको आपका कमेंट आपका लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है और काम करने के लिए लाइज होता हूं। दिल्ली में आपके माध्यम से हजारों बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, आप भी आ सकते हैं, अब दिल्ली दूर नहीं रहा, बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। अब इंग्लिश आसान हो गया है, इंग्लिश अब कष्ट नहीं देगा, इंग्लिश टफ नहीं है, आप मोबाइल पे घर बैठ के पढ़िए और बेहतर नॉलेज लीजिए, इस तरह से आप पूरे क्लास करिए। धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए आपके साथ काम करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।